नमस्कार, मैं हूं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है सुबह की 10 बड़ी खबरों का, तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने की याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की जरूरत बढ़ गई है। देश की राजधानी की जरूरत पूरा करने की सबकी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किल बढ़ गई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में नोएडा सेशन कोर्ट ने कुर्की का आदेश किया है। नोएडा पुलिस अमानतुल्ला खान और अनस की तलाश में जुट गई है। यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना से एसआईटी की पूछताछ जारी है। जर्मनी से भारत लौटते ही एसआईटी ने शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया था और अब उससे पूछताछ की जा रही है। देश में सातवें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होगी। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अब वहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक वे ध्यानमग्न रहेंगे। और बता दें कि आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी के 45 घंटे के ध्यान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल कहते हैं, जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और भगवान ने भेजा है, उसे भगवान को याद करने की क्या जरूरत है। कंगना रनौत और संबित पात्रा ने उन्हें भगवान बना दिया, तो अब वह यह नाटक क्यों कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोचना झेलने के बावजूद वह इस बात पर जोर देते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीदें हैं कि लोकसभा के नतीजे घोषित होने के बाद केंद्र में सत्ताधारी सरकार बदलेगी और नई सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाएगी। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू के हक में अंतिम रैली की। योगी ने लोगों से कहा कि वे बिट्टू को जिताकर संसद में भेजें, मैं यूपी का बुलडोजर पंजाब भेज दूंगा ताकि यहां पर भी माफिया को रौंदा जा सके, जैसे यूपी में रौंदा है। यूपी में अब कोई माफिया नहीं है, सब मिट्टी में मिल गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को अमृतसर पहुंचे। इस दौरान एक चुनावी रैली में नड्डा ने कहा कि हमारे सिख गुरुओं ने न सिर्फ पंजाब और देश में बल्कि दुनिया में राष्ट्रभक्ति और समानता का संदेश पहुंचाने का काम किया है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलने वाली सीटों पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यूपी में बीजेपी को 65 से 68 सीटें मिल सकती हैं। वह इंडिया अलायंस पर धनंजय सिंह ने कहा कि वह अपनी पुरानी सीटें रिटेन यानी दोबारा हासिल कर सकते हैं और 1-2 सीटें बढ़ भी सकती हैं। सातवें और अंतिम चरण के लिए उत्तर प्रदेश में शनिवार को वोटिंग होगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के तेवर तल्ख दिखाई पड़ रहे हैं। अब उन्होंने महाराजगंज से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पर सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने अपने पोस्ट के जरिए केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ।